हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेट स्टार्ट टूडेज डिस्कशन अगर आपको वीडियो का पी डी एफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं शेक्सपियर बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री शेक्सपियर बीच लोकेटेड कहाँ पर है तो ये लोकेटेड है इंग्लैंड में आंसर इज बी इंग्लैंड में लोकेटेड है एट द फूट ऑफ शेक्सपियर क्लिफ एलॉन्ग द डोवर यहाँ पे डोवर हार्बर सिचुएटेड इन डोवर कैंट साउथ ईस्ट इंग्लैंड विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ माउंटेन्स कौन सा ब्रांच है साइंस का जो माउंटेन से डील करता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स को बताता है तो ये है ओरोग्राफी ओरोलॉजी आंसर इज बी रोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ माउंटेन्स द विंडवर चेंज दर डायरेक्शन और कार्ड विंड अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करती उनको क्या कहते हैं वो होती हैं प्लानिटरी विंडस आंसर इज सी प्लेनेटरी विंडनेंट विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इसलिए दे नेवर चेंज द डायरेक्शन दे ब्लो ओवर वास्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन और इनके एग्जाम्पल्स हैं स्टर्ली वेस्टर्लीज एंड पोलर स्टर्लीज ये सारे एल्फ रिवर एंड ओनिक्स रिवर आर लोकेटेड इन विच एमंग फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स एल्फ रिवर और ओनिक्स रिवर कहाँ पे है तो ये है अंटार्कटिका में एल्फ रिवर जो है ना स्मॉल रिवर है अंटार्कटिका की इट इज रनिंग इन टू वेलकॉट बे विक्टोरिया लैंड जो हो वहां पर ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लान जोवियन प्लानट का एग्जाम्पल क्या है तो जोवियन प्लानट होता क्या है जो आउटर प्लानट होते हैं उनको जोवियन जोवियन प्लानट या गैस प्लानट गैस जायंट कहते हैं जिनमें एग्जाम्पल हैं, आपका जुपिटर सेटर्न यूरेनस नेपचून आंसर है इसमें सेटर्न आंसर इज डी और बाकी ये अर्थ मर्की वीनस ये आपके टेरिस्ट्रियल प्लान हैं टेरेस्ट्रियल प्लानिट हैं ये और ये आपका जोवियन प्लानट या

इज़ नोन एज गेट वे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर कौन सा पास है जिसको गेट वे कहा जाता है जम्मू और कश्मीर का तो ये है बनिहाल पास ये है यहाँ रहा पे बनिहाल पास आपका आंसर इज सी बनिहाल पास इज अ माउंटेन पास अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज पीर पंजाल रेंज में है और इसका एलिवेशन है टू एट थ्री टू मीटर और ये कनेक्ट करता है कश्मूर वैली in a j and k to jammu and outer himalaya and plain to the south beopa is a traditional head gear of tribes belonging to beopa ye traditional head gear hain ye tribe hain kahan pe ये arachal प्रदेश के tribes हैं answer is d beopa is a traditional head gear of nishi tribe नीशी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की ये करती हैं ये ओके ऑफ द फॉलोइंग इज टू एज यंग फोल्ड माउंटेन इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन है तो ये है हिमालय हिमालय है आपका यंग फोल्ड माउंटेन ओके दे आर कंसिडर्ड यंग बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म रिलेटिवली रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री कंपेयर टू ओल्डर माउंटेन सचैस अरावली अरावली ओल्डर माउंटेन है मतलब जब हमारा हिमालय बना था उसके पहले से ही अरावली मौजूद था माउंट अबू इज हिल स्टेशन लोकेटेड इन रेंजेस माउंट आबू पे लोकेटेड है, है कौन सी रेंज में तो ये अरावली रेंज जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है माउंट आबू इज अ पॉपुलर हिल स्टेशन इन अरावली रेंज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ओके नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर कौन सा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है तो देखिए बिहार नेपाल के साथ शेयर करता है उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ शेयर करता है मध्य प्रदेश किसी के साथ नहीं शेयर करता जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ शेयर करता है तो मध्य प्रदेश किसके साथ नहीं शेयर करता डज नॉट पूछा है आंसर इज सी ओके विच ऑफ दैटेगोराइज एज मिलेट मिलेट कैटेगराइज किया गया है इनमें से कौन सा है तो ये है सॉर्गम आंसर इज सी ये सॉर्गम कम्स अंडर द ग्रास फैमिली ओके ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास वाइडली ग्रोन एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फोडर एंड ह्यूमन फूड थेस्ट कोल सीम इज फाउंड इन विच ऑफ द्लेसेस ऑफ इंडिया किया जाता है तो ये है झिंगुर्दा आंसर इज बी दिकेस्ट कोल सीम इसका मतलब लगभग एक सौ बत्तीस मीटर होता है और ये फाउंड किया गया है झिंगुर्दा में झिंगुर्दा कोल माइंड में इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी में है ये इट बिलोंग्स टू द गोंडवाना पीरियड विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम लोकेटेड है तो ये है नागार्जुन सागर डैम आंसर इज डी नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना तेलंगाना में ये लोकेटेड है द हाइट ऑफ दिस

कौन सी नहीं है तो ये बिलंगाना जो है ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है क्योंकि बिलंगाना इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर ये भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है बाकी ये नंदाकिनी नंदाकिनी पिंडर ये आपका अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है और ये बिलंगाना जो है ये सिचुएटेड है कहाँ उत्तराखंड में इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न द ट्रब्यूटी ऑफ अ रीवर इन टेंस टू फ्लो अप स्ट्रीम कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसमें ट्रिब्यूटरी जो रिवर की होती है वो अप स्ट्रीम फ्लो करती है तो ये होता है बारबेट आंसर इज बी ओके इन बारबेट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न द ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर टू फ्लो अप स्ट्रीम ओके द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोसी रिवर अरुण ज एग्जाम्पल ऑफ बारबेड कोसी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है अरुण ये इसका एग्जाम्पल है बता सिया लोक पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पीस पगोड़ा आर द फेमस अट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन ये सारी चीजें ये जो दी गई हैं ये कहाँ पे हैं किस हिल स्टेशन में हैं तो ये दार्जिलिंग में है आंसर इज बी ओके okay. और इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच जोनल काउंसिल कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कौन से जोनल काउंसिल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट को कवर करता है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है आंसर इज पी नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल हैज़ एट स्टेट। एट स्टेट है जैसे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एंड असम वेयर इज़ द चित्तौड़गढ़ फ़ोर्ट लोकेटेड चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है राजस्थान में चित्तौड़ चित्तौड़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़ इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है द फोट इज़ वॉज द कैपिटल ऑफ माई वार्ड एंड इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट इट आउन चित्तौड़ इन राजस्थान विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ छिपरा रिवर सिपरा या छिपरा छिपरा रिवर कहा जाता है uh, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है विच ऑफ द कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की जो छिपरा नदी पर बस बसी हुई है तो ये उज्जैन है ये रहा उज्जैन ये छिपरा नदी ओके okay? उज्जैनी गाँव छिपरा नदी छिपरा का उद्गम नर्मदा का मेल यहीं हो रहा है ओके okay? छिपरा रिवर रेजेज इन द करकी बार्डी हिल विंध्या रेंज जो है वहाँ पे ये वहाँ से ये रेंज होती है That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.